हाँ जी मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सब? क्या हो, बहुत ज्यादा मजे में होगे। एक रिक्वेस्ट जो पहले दिन से आ रही है कि अमेरिका की ट्रेन दिखाओ, तो आज आपको अमेरिका की ट्रेन दिखाने वाला हूँ। मैं अभी हूँ लॉस एंजलिस में, मुझे यहाँ से जाना है सेंटा बारबरा, जो कि 2 घंटे की ट्रेन राइड है। तो आज मैं जा रहा हूँ इकोनॉमी क्लास में। जब वापिस आऊंगा तो आऊंगा मैं सेंटा बारबरा से बिजनेस क्लास ट्रेन के अंदर, तो दोनों का डिफरेंस आपको दिखाऊंगा। और अभी मैं हूँ स्टेशन में, तो स्टेशन की बात करें यहाँ पे कुछ भी नहीं है, आप देख सकते हो पूरा बंजर पड़ा है। वेन्ना स्टेशन पे हूँ एमट्रैक के मैं, और अभी मौसम जो है काफी अच्छा, आज पूरा दिन बारिश होने वाली है। 2 ट्रैक है, किधर आएगी ट्रेन मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो टिकट वगैरह की तो टेंशन है नहीं, क्योंकि ऑनलाइन आपको बारकोड जो है वो आ जाता है आपकी ईमेल पे, तो स्कैन करवाओ, जब अंदर जाओगे तो स्कैन करते हैं। और ट्रेन बस अभी आने वाली है, अभी 9:30 हो गए हैं और ट्रेन आएगी आई थिंक 9:43 पे, और पूरे टाइम पे आ जाती है, एक अच्छी चीज है। मौसम आप देखो, आज बहुत ही मस्त मौसम है, बारिश हो रही है 3-4 दिनों से। और अब बस वेट करते हैं ट्रेन का, एक बार ट्रेन आ जाए फिर कंटिन्यू करते हैं। तो जिस ट्रेन में मुझे जाना है वो तो नहीं आई, बट मालगाड़ी बोलते हैं शायद इसको, वो आ गई है और बहुत ही हल्के हल्के आ रही है। पता नहीं क्यों इतना हल्के है, लोड ज़्यादा है शायद। तो अभी बस वेट कर रहा हूँ अपनी ट्रेन का, तब तक हम मालगाड़ी देख लेते हैं। ये देखो तो इंजन देखो यार, क्या सही है ग्रफिटी के साथ। और ये है यहाँ की मालगाड़ी। तो एक ट्रेन गई, अब मेरी वाली ट्रेन आने वाली है। और शेड के नाम पे यहाँ पे यही मिलेगा, अगर बैठना है तो यहाँ पे बैठो, ऊपर ये छोटा सा है, उसके अलावा सारा जो है वो ओपन ही आपको दिखेगा यहाँ पे। ऐसे ही होते हैं यहाँ पे ट्रेन स्टेशंस। और अभी क्योंकि कोविड चल रहा है, तो जहाँ से हम लोग टिकट परचेज कर सकते हैं वो सेक्शन जो है बंद है, तो ऑनलाइन ही आपको टिकट्स लेनी पड़ती हैं। बाकी सारे जो कायस्क वगैरह हैं वो इन्होंने बंद किए हुए हैं। और क्योंकि जहाँ पे मैं बैठा था वहाँ से ट्रेन नहीं लेनी थी, आगे से लेनी थी, तो ये गाड़ी है जिसमें मैं बैठा हूँ। आराम से घूमो फिरो, जैसे एयरपोर्ट पे होती है ना, यहाँ पे ट्रेन में ये सर्विस मिल रही है। तो अभी ट्रेन में आ गए हैं और अभी इसके बाद कुछ नहीं है, बिल्कुल एंड वाले डब्बे में हूँ। और मेरी जो सीट है, अगर मैं दिखाऊँ तो ये है मेरी सीट, और ऊपर मेरा सामान है सारा। तो बेसिकली यहाँ पे जाएगा सामान, पीछे एक LED स्क्रीन है जहाँ पे राउट वगैरह लिख के आते हैं, कौन सा नेक्स्ट स्टॉप है वगैरह वगैरह। अगर सीट की बात करें तो ये अभी जिस सीट पे मैं हूँ ये है इकोनॉमी सीट। तो सबसे पहली चीज़ ये है आपका फुटरेस्ट, और यहाँ पे पैर रखो, और ये है आपका टेबल, इसको बस ऐसे खींचो निकालो और यहाँ पे रख के आप अपना खाना वगैरह खा सकते हो या लैपटॉप वगैरह यूज़ करना चाहो। 120 वोल्ट्स का आपको सॉकेट मिल जाता है, तो लैपटॉप वगैरह चार्ज करना चाहो हो जाएगा यहाँ से चार्ज। और अभी मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूँ, ग्राउंड फ्लोर पे भी आपको लेके चलूँगा और आपको कैफ़े भी दिखाता हूँ। कोविड की वजह से जो कैफेटेरिया है वो बंद है, बट फूड जो है आप अपनी सीट पे लेके आ सकते हो कैफेटेरिया से और बैठ के खा सकते हो। और अभी स्टेशन पे रुके हैं हम लोग, सिमी वैली स्टेशन है। और ये जो है जिस जगह पे अभी हम हैं, अगर मैं ऐसे दिखाऊं तो ये अभी नॉर्मल सीट है। जब वापस आऊँगा तो आऊँगा मैं बिज़नेस क्लास में, तब आपको बिज़नेस क्लास भी मैं दिखाऊँगा। बिज़नेस क्लास में ज़्यादा लेग रूम मिलता है और कुछ फैसिलिटीज़ वो भी दिखाऊँगा और पैसे वगैरह भी बता दूँगा। तो अभी जो सीट है ये है इकॉनमी सीट, और कुछ ऐसा यहाँ पे मिलता है, काफ़ी अच्छा लेग रूम है। मैं 5'7" का हूँ तो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा है, अगर आप 6'5" भी हो तो भी बहुत कंफर्टेबल सीट है और रिक्लाइन कर सकते हो, बटन है एयरप्लेन की तरह। और अगर रिक्लाइन करना चाहते हो, रिक्लाइन करने के लिए जो बटन है इसको दबाना है, रिक्लाइन करना चाहते हो फिर से दबाओ, पूरा एयरप्लेन वाला ये फीचर है। ये जो चीज़ है ये मुझे काफ़ी पसंद है। और ये जो ट्रेन है ये है पैसिफिक सर्फ लाइनर, ये फेमस है अपने सीनिक व्यूज़ के लिए। और स्पेशली मैं फर्स्ट फ्लोर पे बैठा हूँ तो यहाँ पे सीट नंबर नहीं होता है, जब आप एक बार स्कैन करवा लेते हो जिस सीट पे आप बैठे हो वही आपके नाम हो जाती है, फिर उसी पे आपको बैठना पड़ता है। और ये जो जैसे मैंने बताया ट्रेन जो है अपने सीनिक व्यूज़ के लिए जानी जाती है। तो अभी हम सिटी में, जैसे ही सिटी से बाहर निकलेंगे पूरा साइड में आपको समंदर ही समंदर दिखेगा, तो व्यूज़ जो हैं काफ़ी अच्छे होने वाले हैं। और आज पूरा दिन बारिश पड़नी है और अभी 1.5 घंटे की ट्रेन राइड बाकी है, तो व्यूज़ देखो एंजॉय करो। और ट्रेन के आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिखाता हूँ, अभी माउंटेन्स चल रहे हैं, माउंटेन्स के बाद सीधा सी आ जाएगा। तो अभी नीचे वाले फ्लोर पे चलते हैं, ये भी आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। और ये है ग्राउंड फ्लोर, और अभी आ गए हैं हम पूरे एंड में, इसके बाद ट्रेन का खात्मा है और अब चलते हैं इधर। तो नीचे वाला सेक्शन है, यहाँ से आपकी एंट्री होगी, ऑटोमेटिक डोर्स है यहाँ पे, स्लाइडिंग डोर्स जिनको बोला जाता है। और यहाँ से अंदर आओ और सीधा जाओ आप ऊपर, और आप देख सकते हो यहाँ पे वाइप्स वगैरह भी हैं अगर आप क्लीन करना चाहते हो कोई भी चीज़, तो काफ़ी कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है। और अब आपको बाथरूम दिखाता हूँ, और ये स्टेयर्स लेके हमें ऊपर जाना है जहाँ पे सीटिंग एरिया है। और ये आप देख सकते हो टेबल जैसे इंडियन ट्रेन्स में होता है, तो अगर बीच वाली सीट पे बैठे हो खाना वगैरह खाना है इसको निकालो आराम से, बहुत बड़ी आपके पास स्पेस है। और यहाँ पे ये बड़ी विंडोज़ हैं, इनका फ़ायदा बड़ा है।
आराम से बाहर देखो। और अब रेस्ट रूम दिखाता हूँ आपको। तो ट्रेन के रेस्ट रूम के अंदर हूँ मैं। एक मिरर आपको मिल जाएगा हाथ वगैरह धोने के लिए, आपको सोप मिल रहा है, ट्रैश टिश्यूज, और उसके बाद यहाँ पे हाथ वगैरह सुखाना चाहो, और ये है आपकी टॉयलेट पेपर। तो एक अच्छी खासी जगह है, ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, बैठना चाहो बैठ के अपना गम वगैरह उड़ा सकते हो यहाँ पे। तो इतनी जगह मिलती है अमेरिकन ट्रेन की टॉयलेट में। एक बार फिर से दिखा देता हूँ, ट्रैश टिश्यू मिरर, हाथ धोने के लिए हैंड वॉश करना चाहो 120 वोल्ट का सॉकेट मिल जाएगा, ब्लोअर फ्लश करने के लिए बटन है, और टॉयलेट पेपर। तो अब चलते हैं बाहर और देखते हैं। तो एक वहाँ पे स्टेयर्स हैं और दूसरी स्टेयर्स के लिए हमें यहाँ से भी हम जा सकते हैं, बट अभी ये लॉक किया हुआ है इन्होंने, तो यहाँ से भी स्टेयर्स हैं नीचे जाने के लिए। और ट्रेन ख़त्म है जैसे मैंने बताया, और अब मैं अपनी सीट पे बैठ जाता हूँ क्योंकि रेस्टरूम वगैरह तो आपको मैंने दिखा दिया है। एक बार कैफ़े दिखाता हूँ, और अभी बस मैं वेट कर रहा हूँ कि जल्दी से जो समंदर वाली जगह है वो आ जाए। आप लोग हमेशा कहते हो खेत दिखाओ, तो खेत देखो, खेत ही खेत हैं, और इनके बाद सीधा समंदर वाला व्यू आ जाएगा जैसे हम लोग वेंचूरा पहुँचेंगे। अभी कैमरियो हमने क्रॉस किया है, और धूप आ गई है थोड़ी थोड़ी सी, बारिश की प्रेडिक्शन थी बट धूप बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है, बट व्यू जो है बहुत ज़्यादा अच्छा है। और ऐसा व्यू आपको भी मिलेगा जब आप बैठोगे पैसिफिक सर्फ लाइनर में। मैं पहली बार जा रहा हूँ इस राउट पे, कभी नहीं गया, कार में बहुत बार गए हैं बट पहली बार ट्रेन में, क्योंकि वीडियो बनानी थी ट्रेन की और आपको दिखाना था। तो अभी ऑक्सनार्ड स्टेशन जो है वो आने वाला है, बट सामने से जो ट्रेन आ रही है उसका हमें वेट करना है। अभी इसको रेड सिग्नल है, तो पहले वो वाली जो ट्रेन है जब हमें पास करेगी तब इसको ग्रीन सिग्नल मिलेगा, फिर हम लोग स्टेशन पे जा सकते हैं। तो अभी देखते हैं कितनी देर वेट करनी पड़ेगी, बट अनाउंसमेंट बार बार हो रही है, बार बार सॉरी बोल रहे हैं, तो यही है जो है, बस अब थोड़ी देर में निकलते हैं यहाँ से। तो जिस ट्रेन को निकलना था वो आ गई है, फाइनली क्रॉस कर रही है, अब बस ये निकलते ही हमारी ट्रेन जो है वो चलेगी, और सेम ऐसी ही ट्रेन हमारी है। तो कैफ़े जो है वो बंद था, बट सीट पे डिलीवरी दे देते हैं, आप इनकी वेबसाइट पे जाके ऑर्डर कर सकते हो। तो मैंने कोक और चिप्स मंगवाए थे, और ये है ट्रेन एमट्रैक। तो कैफ़े जो है बंद है, आई थिंक जब हम वापस आएंगे तब खुल जाएगा, तो तब कैफ़े दिखाने का ट्राई करूँगा अगर खुला हुआ होगा, वरना सीट पर ही डिलीवरी हो रही है, सब देख रहे हो, तो आप सारी चीज़ें ऑर्डर कर सकते हो। और अभी बस ऑक्सनार्ड से हम लोग निकले हैं, और एक चीज़ और, आई थिंक ऐसे कमेंट्स आएंगे, तो इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं होता है यहाँ पे। सबसे जो बेसिक सीट है वो यही है, 2 घंटे की राइड है, और टिकट का प्राइस है $25 का आप कन्वर्ट कर सकते हो वन साइड का, और जो बिजनेस क्लास है उसका प्राइस है $40, तो $15 का डिफरेंस है बिजनेस और इकॉनमी के बीच में। और अभी व्यू देखो आप बाहर, बहुत अच्छा व्यू है। तो भाई लोग, समंदर जो है वो आ चुका है, अब थोड़ा सा वो जो साइड पे आपको दिख रहा है ना, इस जगह पे ऊपर को, वो पूरा सी ही है। अब बस वेट कर रहा हूँ जल्दी से ये पूरा क्लियर हो और पूरा साफ व्यू हमें दिखे। ये जो अपार्टमेंट्स आपको दिख रहे हैं, पूरी रो जो है अपार्टमेंट्स के बैक साइड में पूरा समंदर ही है। बस अब वेट कर रहा हूँ जल्दी से, कहता हूँ निकल जा भाई। और स्टेशन भी आ गया है वेंचूरा वाला, और नीचे ये जो आप देख रहे हो ये है फ्रीवे, ये जो जगह। क्राउन प्लाजा होटल, और अब समंदर के साथ साथ ट्रेन चल रही है। और क्योंकि अभी रेनी है, जो मौसम है पूरा एकदम ख़राब हो रखा है काफ़ी दिनों से, तो इसलिए थोड़ा ऐसा धूप होती तो और भी मज़ा आता, थोड़ा और पीछे तक आप देख सकते हैं, बट अभी जो है यही व्यू है, और बहुत सही व्यू है, जो भी है पूरा समंदर ही समंदर ट्रेन के साथ साथ चलेगा। तो बेस्ट राउट माना जाता है इस ट्रेन के राउट को, सीनिक ड्राइव इसको बोला जाता है, चाहे आप फ्रीवे पे कार चलाओ चाहे आप ट्रेन में हो, ये जो चीज़ है आप समंदर के साथ साथ चलाओ, बहुत सही लगता है। और ये देखो कितना पास है, हम लोग बीच के बिल्कुल साथ साथ में चल रहे हैं, ये बीच है, ये है हम, क्या बात है, क्या व्यू है। ओहो, ये तो मज़ा ही आ गया है इस राउट का, बहुत ही मस्त है यार, समंदर के साथ साथ। यहाँ पे ट्रेन वो इंडिया की ट्रेन की तरह ना यहाँ पे खुला हुआ नहीं, वरना हाथ निकाल के हेलो हेलो कर सकते थे हम लोगों को, बट वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, बट जो व्यू है वो बहुत ही मस्त है यार। मुझे ना बार बार रिपीट में बोलनी बात अच्छी नहीं लगती, बट ये जो व्यू है इसको ऑब्जॉर्व करना थोड़ा मुश्किल है, बहुत ब्यूटीफुल है। और पूरी ट्रेन जो है वो खाली है, पूरी बोगी में आई थिंक 3 या 4 लोग हैं बस, सब
ख़त्म है कोविड की वजह से, पर जो भी है अच्छा है, आपको प्राइवेसी मिलती है, आप आराम से अकेले बैठ कर जो मर्जी शूट करो, पूरी आगे तक देखो खाली है पूरा, और स्टेशन आने वाला है और जो व्यू है और भी खूबसूरत हो गया, क्या बात है। ये व्यूज जो हैं बहुत ही सही हैं। और अभी ये जो राउट है ये तो 2 घंटे का था, अगर मैं जाता सैन डिएगो तो वो 4 घंटे की ट्रेन राइड है, और उसका जो व्यू है वो इससे भी ज़्यादा अच्छा है, तो जाएंगे वहाँ भी बहुत ही जल्दी। आप इस वाली वीडियो को अगर पसंद कर रहे हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करो। तो स्टेशन आ गया, नीचे जा रहे हैं अभी सामान लेके, और यहाँ से लेंगे उबर अपने होटल के लिए। थैंक यू। तो ये थी ट्रेन और ऊपर बैठे हुए थे हम लोग, तो ये है ट्रेन जिसमें हम लोग थे और ऊपर हम लोग बैठे हुए थे। तो अब चलते हैं, ये है सैंटा बारबरा स्टेशन, अभी बारिश हो रही है थोड़ी थोड़ी, और आगे की तरफ चलते हैं, यहाँ से हमें लेनी है ऊबर, ऊबर लेके हम जा रहे हैं अपने होटल। जो मैं पहले गाड़ी दिखा रहा था इसमें घुमा रहे थे हमें, वो ये वाली कार थी छोटी सी। तो ट्रेन देख लो, जो लोग बोल रहे थे कैसी होती है ट्रेन, तो ऐसी होती है ट्रेन। ये है गेट, ऑटोमेटिक डोर है, तो यहाँ पे लटकने वाला कोई काम नहीं है ट्रेन में, जैसा इंडिया में होता है। ऊपर भी बैठ सकते हो, नीचे भी, आपकी मर्जी है। और अभी हम लोग थे इकोनॉमी में, अभी जब आएंगे वापस तो आएंगे हम लोग बिजनेस क्लास में। तो ये थी मेरी वीडियो अमेरिकन ट्रेन के ऊपर। तो ये वीडियो अब मुझे नहीं पता कैसी बनी, एडिट के टाइम पे ही पता चलेगी, बट आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और 3 या 4 दिन के अंदर बिजनेस क्लास वाली जो वीडियो है वो भी आ जाएगी आपके लिए। एक बार फिर से देख लो ट्रेन, और अब इसी नोट के साथ वीडियो को करता हूँ ख़त्म। मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।